लॉक अनलॉक, और ये होल्ड वाला बटन अगर आप दबाएंगे तो गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन रियर और फ्रंट में जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर जो है कर दिए गए हैं। आपके सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स इसमें आ जाते हैं, ये अपने को मिल जाती हैं, ये लो बीम के लिए और ये जो है नीचे की तरफ हाई बीम के लिए। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड जो है आपको इस बार क्रेटा में दिए जा रहे हैं। 50 लीटर की जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। सबसे बड़ी चेंजेस जो है आप देख सकते हैं रियर में, यहाँ पर जो है आपको कनेक्टिंग टेल लैंप देखने को मिल जाती है जो कि पहले नहीं मिलती थी, और ये चीज़ जो है वो स्टैंडर्ड है आपको बेस मॉडल। ये देखने वाली चीज़ है यहाँ पर जो है पहले से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। तो आज आपके लिए रिव्यू करने वाले भाई नई क्रेटा SX ऑप्शनल, और ये जो है आप देख रहे हैं जो पेट्रोल वेरिएंट है, पेट्रोल में आप उसमें दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और एक IBT, और इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन भी आता है। ये भी जो आप देख रहे हैं ये जो है मैनुअल ट्रांसमिशन में है पेट्रोल वेरिएंट। अब की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके की आपको जो है पहली वाली जैसी आती थी उसी तरीके की जो है की इसमें देखने को मिलती है। लॉक अनलॉक और ये होल्ड वाला बटन अगर आप दबाएंगे तो गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो है बूट स्पेस एक्सेस करने का बटन जो है आपको मिल जाता है। कीलेस एंट्री मिल जाती है आपको, दोनों चाबियां जो है एक जैसी ही देखने को मिलती है। अभी एक बार इसका आप जो है आपको वॉक अराउंड दिखा देते हैं। साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की, साइड प्रोफाइल में कोई खास चेंजेस नहीं है, मेरे हिसाब से कुछ भी चेंजेस नहीं है साइड प्रोफाइल में, लेकिन रियर और फ्रंट में जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर जो है कर दिए गए हैं। ये इसकी जो है रियर प्रोफाइल आप देख सकते हो, अभी फुल डिटेल में जो है इसके आपको जो है बताएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसके फ्रंट से। तो देखिए फ्रंट में जो ग्रिल पहले कंजेस्टेड सी ग्रिल आती थी, बट आप देख सकते हैं आप जो स्पेस देकर जो है ग्रिल यहाँ पर दी गई है। बीच में आपको जो है हुंडई का लोगो देखने को मिल जाता है, और 360 डिग्री कैमरा जो है यहाँ पर आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है। ये स्किड प्लेट्स आपको जो है सिल्वर कलर में मिलती है, और यहाँ पर फ्रंट में आपको जो है चार पार्किंग सेंसर जो है देखने को मिल जाते हैं, दो इस साइड है और दो इस साइड है। ये जो है आपका टोइंगो का गया स्किड प्लेट्स पर ही, और जो हेडलाइट सेटअप है वो इस बार जो है पूरा ही चेंज कर दिया गया है। पहले जो सी शेप में आता था अब जो उसको चेंज कर दिया। ये आप देख सकते हैं फ्रंट में जो आपको कनेक्टिंग DRL मिल जाती है, और उसके अलावा ये जो है आपके सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स इसमें आ जाते हैं, ये भी आपको जला के भी दिखाएंगे। और ये आपकी DRL आ गई, और यहाँ पर जो है पहले ट्राई बीम सेटअप आता था इसमें, तो उसमें लोगों को बहुत शिकायत रहती थी कि जो इसका थ्रो है वो उतना अच्छा नहीं है। तो इस बार जो है चार इसमें जो आपको हेडलाइट्स देखने को मिल जाती हैं, ये लो बीम के लिए और ये जो है नीचे की तरफ हाई बीम के लिए, और हेडलाइट का सेटअप जो है नीचे की तरफ कर दिया गया, तो इस वजह से इसमें जो है अब आपको फॉग लैंप की भी जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक वाइपर्स मिल जाते हैं, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल, और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड जो है आपको इस बार क्रेटा में दिए जा रहे हैं, और चेसी में भी जो है कन्वर्ट किया गया है पहले से जो है इसकी चेसी जो है वो बेटर बनाई गई है, ताकि जो है सेफ्टी इसकी जो है पहले से बेटर हो जाए। टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको जो है अपोलो के टायर्स देखने को मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल जो है यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप, 215/60/R17 मतलब कि 17 इंच के अलॉय व्हील्स आपको जो है दिए जा रहे हैं, डुअल टोन में पहले वाले जैसे दिए जाते थे, और 5 नट का सेटअप यहाँ मिल जाता है। बीच में आपको यहाँ पर जो है हुंडई का लोगो देखने को मिल जाता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाती है, और पीछे भी आपको चारों टायर्स में जो है डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। ये क्वार्टर पैनल आप देख सकते हैं पहले की तरह ही दिया गया है। यहाँ पर आपको जो है 50 लीटर की जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। अब रियर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, रियर में भी देखिए काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। रूफ रेस तो आती थी, शार्क फिन एंटीना भी जो है पहले से डिजाइन इसका जो है चेंज कर दिया गया है। ये जो है आप देख सकते हैं स्पॉइलर पे ही आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाती है। डिफॉगर आ गया, ये आपका वाइपर आ गया, और ये जो है सबसे बड़ी चेंजेस जो है आप देख सकते हैं रियर में, यहाँ पर जो है आपको कनेक्टिंग टेल लैंप देखने को मिल जाती है जो कि पहले नहीं मिलती थी, और ये चीज़ जो है वो स्टैंडर्ड है आपको बेस मॉडल से ही जो है ये चीज़ देखने को मिल जाती है। ये आपकी जो है बैकलाइट आ गई, टर्न इंडिकेटर्स आ गए, और इसके अलावा यहाँ पर जो है नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। इसकी प्लेट्स आपको जो है सिल्वर फिनिश में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर पीछे की तरफ चार पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर क्रेटा की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर बीच में हुंडई का लोगो मिल जाता है, यहाँ पर SX की बैजिंग आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है रियर कैमरा आपको जो है दिया गया है यहाँ पर, और लाइट्स जो है यहाँ पर नंबर प्लेट की लाइट्स भी दी गई हैं। बूट स्पेस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का, 433 लीटर का पहले भी था, अभी भी 433 लीटर का ही है। बोस का म्यूजिक सिस्टम जो है इस बार आपको यहाँ पर दिया जा रहा है SX वेरिएंट में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं केबल लैंप आपको, बूट लैंप जो है आपको दी गई है वो हेलोजन में दी गई है। उसके अलावा स्पेयर व्हील आप देख सकते हैं पहले की तरीके का ही जो है सेटअप दिया गया है, और इसमें जो है आपको वही 1 इंच छोटा 16 इंच का जो है स्टील व्हील एज स्पेयर व्हील दिया जा रहा है। ये आपकी टूल किट वगैरह आ गई है यहाँ पर। अब गाड़ी के इंटीरियर की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको जो है कीलेस एंट्री मिल जाती है, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है ड्राइवर साइड में, को ड्राइवर साइड में नहीं मिलता है। डोर पैनल आप देख सकते हैं डुअल टोन में आपको मिलता है, बीज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। ये आपके बोस के स्पीकर आ गए,
और यहाँ पर चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ से ओआरवीएम को फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं और जो है यहाँ से अपने ओआरवीएम को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो है रियर विंडो को लॉक करने के लिए बटन आ गया, ये डोर हैंडल आ गया। तो डोर में जो है कोई ऐसा चेंजेस नहीं है, डोर जो पहले आते थे उसी तरीके का आपको डोर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपके ट्विटर्स आ गए, यहाँ पर बोटल होल्डर का स्पेस आ गया और कुछ फाइल फोल्डर के लिए स्पेस जो आपको देखने को मिल जाता है। इसके प्लेट्स का प्लेट्स जो आपको नहीं मिलती हैं। यहाँ से जो है आपको फ्यूल आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको बोनट एक्सेस करने का लीवर मिल जाता है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड की जो सीट है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दी गई है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक आपको आप उसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं, ये काफ़ी सही चीज़ है। इसके अलावा आपको जो है फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स इसमें जो है देखने को मिल जाती हैं। आप गाड़ी का इंटीरियर आपको दिखा देते हैं। तो इंटीरियर आप देख सकते हैं कुछ तरीके का है। डीकर स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, लेफ्ट में आपको ये कॉल के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा राइट साइड में यहाँ पर आपको जो है एडास का बटन यहाँ पर मिल जाता है, प्ले पॉज का बटन मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है और एमआईडी के फंक्शन जो है यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो स्टीयरिंग आपको जो केवल टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको एसएक्स में भी नहीं दिया गया है, नहीं हो रहा टेलीस्कोप। इसके अलावा लेफ्ट में यहाँ पर आपको जो है ऑटोमेटिक वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं, राइट साइड में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ फीचर्स जो है इसमें बढ़ा दिए गए हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड जो है अगर चारों सीट पे कोई बैठा हुआ है तो चारों सीट बेल्ट की जो है वार्निंग इसमें आपको देगी गाड़ी कि चारों सीट पैसेंजर जो है वो सीट बेल्ट को जरूर लगाएं। इसके अलावा ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे तो 20,99,000 जो है यहाँ पर आपको ऑन रोड प्राइस इसकी देखने को मिलती है। पेट्रोल वेरिएंट है ये मैनुअल ट्रांसमिशन में। और वेटिंग की बात करें तो 4 महीने लगभग जो है इसमें अभी वेटिंग चल रही है आपकी। और अगर आप ये गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो आप जो है श्री शकुन हुंडई भरतपुर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके शोरूम की जो डिटेल्स हैं वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाके जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये देखने वाली चीज़ है यहाँ पर जो है पहले से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, फुल जो है आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ ही जो है अटैच करके आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर जो म्यूजिक सिस्टम है डिस्प्ले जो है वो पूरी आपको उसी के साथ अटैच करके दी जा रही है, ये काफ़ी सही चीज़ है। उसके अलावा आप देख सकते हैं एसी का सेटअप जो है पहले से चेंज कर दिया गया है, ईजी टू एक्सेस है ये। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको जो है एसएक्स वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर आपको दी जा रही है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक टाइप सी पोर्ट और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। इसके अलावा यूएसबी पोर्ट भी यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है। 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स आ गया, ये आपके वेंटिलेशन के कंट्रोल्स आ गए फ्रंट के। और उसके अलावा ये जो है पार्किंग कैमरे का बटन आ गया। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको पार्किंग इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो है देखने को मिल जाती है। ऑटो होल्ड का बटन आ गया, यहाँ पर 2 कप होल्डर का स्पेस आ गया, कुछ स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। आर्मरेस्ट आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का, पहले जैसा ही आर्मरेस्ट आपको जो दिया गया है यहाँ पर उसमें ठीक ठाक स्पेस जो है आपको देखने को मिल जाता है। लॉक अभी भी जो है इसमें आपको नहीं दिया गया है, वो मिसिंग है। इसके अलावा यहाँ पर कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको दिया जा रहा है। इंटीरियर डिज़ाइन आप देख सकते हैं किस तरीके का आपको दिया गया है, 6 स्टैंडर्ड एयरबैग जो है आपको दिए जा रहे हैं, साइड कर्टेन एयरबैग्स भी इसमें जो आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले के आप देख सकते हैं एसी वेंट्स का डिज़ाइन जो है यहाँ पर पहले से चेंज कर दिया गया है। और ये आपके जो है साइड मिरर्स को क्लीन करने के लिए, जो साइड विंडोज़ हैं उसको डिफॉग करने के लिए इस तरीके का डिज़ाइन यहाँ पर आपको दिया गया है। बीच में स्पीकर सेटअप आ जाता है। और ये जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर जो है आपको मैग्नेट दिया गया है तो आप इसमें कुछ अपना लोहे का ऐसा कुछ लगा के और यहाँ पर अपना मोबाइल वगैरह जो है अपना होल्ड कर सकते हैं, ये जो है फीचर अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड में जो सनवाइज़र है वो प्लेन सनवाइज़र मिलता है और ऑटोमेटिक आईआरवीएम मिल जाता है। इसके अलावा आपको पैनोरामिक सनरूफ जो है इसमें देखने को मिल जाती है, ये सारे उसके जो है कंट्रोल्स आ जाते हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं पैनोरामिक सनरूफ जो है इसमें आपको दी जा रही है। और ये आपका जो है यहाँ पर सनग्लास होल्डर आ गया। इसके अलावा ये जो है केबल लैंप्स अभी एलईडी में आपको जो है देखने को मिल जाती है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर साइड में आपको जो है फोल्डेबल आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। और को ड्राइवर साइड की अगर सनवाइजर की बात करेंगे तो उसमें आपको वैनिटी मिरर जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है और आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, पार्किंग बटन मिल जाता है और हेडलाइट लेवलर भी आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाता है। आपका जो है इसमें हाई क्वालिटी डैश कैम आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी सही फीचर्स है। तो इसमें आपको जो है क्वालिटी फीचर्स देखने को मिल जा रहे हैं अब हुंडई की तरफ से, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो फ्रंट का जो है हमने सब कवर कर लिया, अब आपको दिखाते हैं रियर में क्या क्या है। इसके अलावा एक चीज़ और, ओआरवीएम में इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलते हैं और ऑटो डिमिंग ओआरवीएम आपको मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे की तरफ आपको जो है पेडल लैंप देखने को मिल जाती है और ये जो है आप देख सकते हैं 360 डिग्री यहाँ पर जो कैमरा भी आपको दिया जा रहा है, सूरज की वजह से जो दिखाई नहीं दे रहा। अब रियर की बात कर लेते हैं, रियर डोर में आपको जो है यहाँ पर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं और ये जो है सन शेड्स भी आपको इसमें दिए जा रहे हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना पड़ता है, पुलिस जो है इसका चालान वालन कर देती है तो इसका आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो है आपको बोटल होल्डर आ गया, बाकी ये ग्रैब हैंडल आ गया और यहाँ पर जो है सॉफ्ट जो है फैब्रिक का यूज़ किया गया है, ये बढ़िया है।
नी डिस्टेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्पेस नी के लिए काफी सही है। ड्राइवर सीट एडजस्ट कर दी थी हमने 6 फीट हाइट के हिसाब से, उसके बाद भी जो स्पेस काफी सही है, थोड़ा सा ज्यादा ही पीछे किया था उसको। इसके अलावा रियर एसी वेंट्स का डिजाइन आप देख सकते हैं उसी तरीके का जैसे पहले आता था। और उसके अलावा यहाँ पर ये चेंजेस हैं, यहाँ पर दो जो है आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाते हैं और कुछ मोबाइल के लिए जो है आपको यहाँ पर स्पेस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आर्मरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दो कप होल्डर जो है आर्मरेस्ट में देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको चारों सीट्स में जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। साइड आप देख सकते हैं साइड में जो हैंडल है वो आपको सॉफ्ट फोल्डर मिल जाते हैं। इसके अलावा जो कि रीडिंग लैंप है वो आपको एलईडी में देखने को मिल जाती है दोनों साइड में, तो ये जो है काफ़ी सही चीज़ है। तो ये था भाई हमारा क्रेटा, न्यू क्रेटा 2024 का रिव्यू। होपफुली आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आप ये गाड़ी जो है लेना चाहेंगे या नहीं, आपको पहले वाली क्रेटा ज़्यादा अच्छी लगती थी या ये जनरेशन जो है आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।